réservoir là. Voilà le réservoir. Voyons voir la commande. डेम आ रहा है पास में, वहाँ खड़े होंगे, वहीं फोन करके मंगवा लेते हैं। जस्ट आगे है पानी, मिट्टी वाला, हाँ, पीला पीला दिखे मिट्टी वाला, चले, चला गया, वो रिजर्व बोल रहा था बस, ये सामने दिख रहा है ना, पहाड़ बोल दिख रहा, वहीं पे वो डैम
है रुकने की जगह, माइल बना इस पर वीडियो हैंग करवा दे। वो देखो उधर वो दो बाबू जा रहे थे ना, जो रास्ता बाइक भी जाती है वहां पे। हाँ चल चल देना। ओ भाई पूरा समुद्र जैसा दिख रहा है, देख एक काम कर। ओह गाइस ये टीवी डैम नहीं, ये समुंदर है। अभी हम बाइक को वहाँ पर भी लेके जाएंगे, वहाँ पर थोड़े बहुत स्विमिंग करेंगे, जो कि मेरे को आती नहीं है, पापा को ही आती है। यहाँ पर तो ओ भाई स्विमिंग नहीं कर सकता मैं, इसमें मरवाएगा क्या, ये डैम है कल लोग नहा दे स्विमिंग। अरे तो सेंटर में जाने को कौन कह रहा है आपसे? ये ब्लैक ब्लैक से क्या आ रहा है? क्या वो देखो, ये ब्लैक ब्लैक से क्या आ रहा है? वो बादल है, बादल है। अच्छा इसमें लहरें इतनी तेज नहीं है समुंदर जैसी, वैसी लहरें हो तब तो गए। वाह देखने से तो बीच ही लगता है, बहुत बड़ा डैम आएगा वाकई, बहुत बड़ा है ये तो, पूरा बीच जैसा है, पूरा ऐसा लग रहा है हाईलैंड पे खड़े हैं जैसे। वहाँ पर देखो टॉप पे जाने का रास्ता भी है पहाड़ पे। ट्रेन भी जा रही है पीछे से, ट्रेन ट्रैक एकदम सीक्रेट, बस पूरी दुक 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 आवाज आ रही है और पता नहीं क्या है, जान निकल रही है, चढ़ाई है इसलिए जान नहीं निकल रही, वो बस पावर लगा रही, जान तो नहीं निकलेगी। वो देखो आइलैंड सेंटर में तो नहीं कह सकते, फिर भी आइलैंड है। क्या मस्त नजारा, अगर ऐसे देखे ना सीधे उस डायरेक्शन में, कसम से लग रहा है समुंदर ही है। और ये 10-15 किलोमीटर लंबा है आगे, बल्कि ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा। अब गाइस हम उस बीच पे जाके मिलते हैं। हाँ